हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? होपफुली अच्छी ही चल रही होंगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके लिए मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 2 के MCQs लेके आ गई हूँ। चैप्टर नंबर 1 के MCQ मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, अगर जिसने ना देखे हो, जिसने ना चेक करे हो, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 2 के MCQs मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 भी कल मतलब नेक्स्ट डे आ जाएगा, उसकी भी टेंशन आप मत लेना। और ऐसे ही मोमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो मैं आगे दूसरे बुक के भी ले आऊँगी। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। तो आपको हाँ, एक बात और मेरे को आपसे कहनी थी, आपको जिस भी MCQ मतलब जिस भी चैप्टर से रिलेटेड MCQ, इधर साइंस और मैथ्स, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको वो हर मतलब जिस भी चैप्टर के आप बोलेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डोंट टेक टेंशन, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा, एक दिन में, दो दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। थोड़ा बहुत मैं इतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत टाइम है अभी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अब तो ये रिविजन वाला ही टाइम चल रहा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ तो यू शुड नो द आंसर्स। ओके, सो यही कहना था मेरे को आपसे कि जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। अगर आपको साइंस में, मैथ्स में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट हो रहा है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक को कवर करवा दूंगी एक वीडियो में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने एंड में आपको एक क्वेश्चन डाला है। मुझे पता है आप सबने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी से रिलेटेड मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन डाला है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। सो मेरे को भी लगना चाहिए ऐसे कि यस, यू गाइज आर स्टडिंग वेल, और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही हैं, जो कि अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही दें और जल्दी जल्दी दे दें। तो गाइज, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। मेरे चैनल को कर देना जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मेरे को तो उम्मीद यही है कि आपके टर्म 1 में एकदम अच्छे जाने वाले हैं, और बाकी आपके रिजल्ट्स बता ही देंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।